दोस्तों, तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। मैं हूं अली और आज मैं आया हूं अहमदनगर। नाज़रीन, आपको मैं आज अहमदनगर की तारीख से रूबरू कराऊंगा और जो शख्सियत ने अहमदनगर को बसाया था, निज़ाम शाही सल्तनत के पहले बादशाह मलिक अहमद निज़ाम शाह, उनके मकबरे की भी आपको ज़ियारत कराऊंगा। ये बात है 1490 के दरमियान, जब दखन में बहमनी सल्तनत थी और मलिक अहमद निज़ाम शाह बहमनी सल्तनत के एक सूबेदार थे जो कि जुन्नर में थे वो टाइम में। तो 1492 में मलिक अहमद निज़ाम शाह ने बहमनी सल्तनत से बगावत कर ली और अहमदनगर के करीब बहमनी सल्तनत से एक जंग लड़ी और इंडिपेंडेंट हो गए। और उसी दौरान 1494 में मलिक अहमद निज़ाम शाह ने अहमदनगर को बसाया। और अहमदनगर में एक शाही किले की तामीर की। निज़ाम शाही सल्तनत 1494 से तो 1636 तक कायम रही, लेकिन 1636 में दक्कन के सूबेदार औरंगजेब आलमगीर ने अहमदनगर की जो निज़ाम शाही सल्तनत थी उसका खात्मा कर दिया। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अहमदनगर को बसाने वाले मलिक अहमद निज़ाम शाह का जो मकबरा है उसकी मैं आपको ज़ियारत कराऊंगा। बड़ा ही आलिशान मकबरा उस ज़माने में तामीर किया था, काले पत्थरों से निज़ाम शाही आर्किटेक्चर में बना हुआ ये मकबरा है। तो चलिए फिर चलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है मलिक अहमद निज़ाम शाह की मज़ार। बड़ा ही खूबसूरत मकबरा है, निज़ाम शाही आर्किटेक्चर का बनाया हुआ बड़ा ही खदीब मकबरा है। इस मकबरे को तकरीबन 500 से ज़्यादा साल हो चुके हैं। तकरीबन 500 साल गुजरने के बावजूद भी आज भी ये इमारत बड़ी मजबूत और शान शौकत के साथ खड़ी है। काले पत्थरों से बनी हुई ये इमारत है, खूबसूरत नक्काशी इसमें की गई है, कुरान की कुछ आयतें इसके ऊपर लिखी गई है। आप देख सकते हैं कितनी मजबूत इमारत है। निज़ाम शाही आर्किटेक्चर का बनाया हुआ ये पहला नमूना है जो कि अहमदनगर में मौजूद है। नाज़रीन, मलिक अहमद निज़ाम शाह का इंतकाल 1510 में हुआ और उनके मकबरे की तामीर उनके इंतकाल के बाद शुरू हुई। मकबरे की तामीर करते वक्त जो कारागिर थे, जो मजदूर थे, उनको शदीद पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने इसी मकबरे के बीचों बीच एक बौड़ी तामीर की। आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत बौड़ी है पत्थरों की, इसके बाजू में एक नदी बहती है। नाज़रीन, निज़ाम शाही सल्तनत ने महाराष्ट्र की सरजमीन पर तकरीबन 125 से ज़्यादा साल हुकूमत की। बड़ा ही खूबसूरत मकबरा है ये, एक छोटी सी नदी के किनारे मकबरा बसाया गया था। इस मकबरे के एरिया को बाग रोज़ा कहा जाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये मकबरा कितने खुशगवार माहौल में बनाया गया है। मकबरे के अहाते में निज़ाम शाही हुकूमत के पहले निज़ाम मलिक अहमद निज़ाम शाह, जिनको बहरी भी कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द उनके ख़ानदान के, उनके रिश्तेदारों को कई मज़ार मुबारक मौजूद हैं। नाज़रीन, इस मकबरे के बाहर भी कई खूबसूरत मज़ार मुबारक मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये जो मज़ार मुबारक है ये इस मकबरे के बाहर है और कितने खूबसूरत मज़ार को बनाया गया है। आप देख सकते हैं कुरान की आयतें इस मज़ार मुबारक पर लिखी हुई है। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।